बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एसके क्रोशे गाइड में आप सबको खुश आमदीद। मेरी जो आज की वीडियो है उसमें मैं ये आपको बैग सिखाऊंगी कि ये वही स्क्वायर पैटर्न है जो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में सिखाया है। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसमें मैंने 10 राउंड कंप्लीट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राउंड कम्प्लीट करने के बाद मैंने इसको सिंगल स्टिच से स्टिच किया है, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। और ये मैंने पम पम बॉल्स बना के लगाए हैं। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, पम पम बॉल कैसे बनाते हैं। मैंने गैजेट से भी सिखाए हैं और आप गत्ता या दूसरी चीज़ इस्तेमाल करके आप ये पम पम बॉल बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसकी स्टिचिंग किस तरह करनी है, ये स्क्वायर मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो भी मैं बताऊँगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसको स्टिच करने के लिए हमें किस तरीके से इसको रखना है कि 1 2 और ये 3 जो है ये आपके पीस एक लाइन में है और एक साइड पर है और दूसरा एक इस साइड पर है। ये देखें, हमें 5 स्क्वायर पैटर्न जो है इस तरीके से बनाने हैं। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं और हर एक का ये देखें कॉर्नर मैंने मुख्तलिफ शेड का रखा है। आप भी इसी तरह अपनी मर्ज़ी से इसके शेड्स रख सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी स्टिचिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे और इसको बैक की शक्ल किस तरीके से लाएंगे। तो चलें ये देखें, इनको हमने सीधा ही रखना है और ये जो दोनों हमारे ये स्क्वायर पैटर्न हैं इनको इस तरीके से पकड़ेंगे और ये मैं इसको स्टिच करने के लिए 4 mm क्रोशे हुक जो है वो यूज़ कर रही हूँ। ये देखें, इसको इस तरीके से रखने के बाद ये दोनों, इसकी ये राइट साइड है और इसकी भी राइट साइड, दोनों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए डार्क कलर ही जो मेरा है, मेन कलर है मेरा, वो मैं यूज़ कर रही हूँ और 4 mm क्रोशे हुक है मेरा, उससे मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। और ये देखें, दोनों स्क्वायर को राइट साइड जो है हमारी दोनों की, उसको मैंने इसी तरीके से मैंने पकड़ा है। और ये देखें, जो ये कॉर्नर स्पेस है स्टिचेस की, इसमें जाएंगे और जैसे हम सिंगल स्टिच बनाते हैं इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचेस जो है दोनों साइड पे सेम स्टिचेस की काउंटिंग है तो ये हमारी स्टिचिंग करते हुए इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हमने टोटल जो है 1 2 3 4 लूप ही दोनों की लेनी है, मुकम्मल स्टिच में हमने इसको स्टिच करना है। जैसे मैं पहले आपको स्टिचिंग में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट लूप लेंगे, यहाँ पे हम दोनों जो है पहले स्क्वायर है हमारे दोनों की, ये दोनों स्टिचेस हम इकट्ठे ले रहे हैं और सिंगल स्टिच से इसको स्टिच कर रहे हैं। बहुत आसान है ये इसको स्टिच करना इस तरीके से। ये देखें, बहुत ये स्टिच और ये स्टिच, सिंगल स्टिच ये और दूसरे स्क्वायर का, ये देखें सिंगल स्टिच, सेंटर में सिंगल स्टिच, नेक्स्ट इसी तरीके से इसको स्टिच करते हुए इस कॉर्नर तक आएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। ये देखें, हम कॉर्नर तक आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा पैटर्न ये है, स्क्वायर है, इसमें जाएंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। कॉर्नर पे हम ये जैसे 3 ही हमारे हैं, चेन 3 थी, वहाँ पे हमें 3 सिंगल स्टिच में हमने बना लिए और नेक्स्ट जो स्टिच है हमारे उसी तरीके से हम इसको
स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से ये देखें, ये मैंने स्टिच किया है और इसी तरह मैं इसको स्टिच करते हुए इस कॉर्नर तक आऊँगी। ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें हम कॉर्नर तक आ गए हैं। लास्ट जो हमारा चेन थ्री स्पेस है इसमें हम एक दो सिंगल क्रोशे बनाने के बाद मुकम्मल कर लेंगे और इसको थोड़ा सा ये ज़्यादा ले लेंगे ताकि हम इसको अंदर से फिर हम स्टिच कर दें। ये देखें ये हमारी स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। ये हमने एक ये जोड़ लिया और यहाँ से इस तरीके से जोड़ लिया। अब जो ये वाला जो है यही जो हमारा स्क्वायर है इसको हम इस तरीके से पकड़ के और यहाँ पे अब इसको स्टिच करेंगे। ये देखें अब हम इसको स्टिच करने के बाद इस तरीके से पकड़ेंगे और ये इसको इस तरीके से हम इसको स्टिच करेंगे तो इसकी शेप देखें कुछ ऐसे आएगी इस तरीके से। अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करते हुए आप उसी तरह स्लिप नॉट बनाने के बाद ये जो स्टिच है इसको अंदर करते हैं और बाद में हम इसको स्टिच कर लेंगे और ये यहीं से जो कॉर्नर स्पेस है हमारी ये दो हम यहाँ पे बना चुके थे। अब हमने एक और बस बनाया है और फर्स्ट स्टिच पर और इसी तरीके से इसको सिंगल स्टिच से ही स्टिच करेंगे। इस तरीके से और यहाँ इसी स्टिच करते हुए इस कॉर्नर तक आएंगे। ये पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये हमने इसको स्टिच थ्री साइड से हमने इसको कर लिया है। जो ये स्क्वायर था हमारा इसको ये देखिए हमने इसको किस तरीके से स्टिच किया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा ये हमारा सेंटर वाला था और अब जो ये हमारा स्क्वायर है इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखें इस तरीके से रखेंगे और ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर इसको ऐसे स्टिच करेंगे और ग्रे वाले को ये पिंक वाले कॉर्नर को आपस में स्टिच करेंगे। ये देखें एक स्टिच हम और यहाँ पे ग्रे वाले के साथ इसके जो चेन थ्री स्पेस थी वहाँ पे हमने एक स्टिच बनाया है। अब हम जो ये हमारा पिंक है सीधी ही साइड पिंक वाले की जो सीधी साइड है इसको इस तरीके से रखेंगे। और चेन थ्री स्पेस जो है इसी में वन टाइम हमने इसको यहाँ स्टिच किया है और फिर ये बाकी उसी तरीके से सिंगल स्टिच से इसको एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ जोड़ देंगे। देखें ये ग्रीन और पिंक और इसको यहाँ स्टिच करते हुए इस कॉर्नर तक आएंगे। ये देखें हम स्टिच करते हुए लास्ट थ्री चेन स्पेस में आ गए और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाकर ये राउंड भी कंप्लीट कर देंगे। ये देखें इसको स्टिच करने के बाद अब हम
सेंटर वाला जो ये हमारा सेंटर वाला पैनल था, इसको आपने याद रखना है कि ये सेंटर में है, यानी कि जो बेस है हमारे बैग की वो ये है। उसके साथ अब हमारा ये फ्रंट है, तो अब हम ये फ्रंट जोड़ रहे हैं। ये आप इस तरीके से याद रख लें आपकी आसानी के लिए। अब हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे, सिंगल स्टिच से यहाँ तक मैं स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ये लास्ट स्टिच मैं आपके सामने बना रही हूँ। और ये जो चेन थ्री स्पेस है, दोनों की सेम ही हमारे चेन थ्री स्पेस, और इसमें ये एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। अब हमारा लास्ट जो है ये है पैच हमारा रह गया। अब हम इसको भी इसके साथ, ये देखें ये बॉटम पार्ट है हमारा, इसके साथ अब हम इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। और ये वाला, ये कॉर्नर, पिंक वाला जो कॉर्नर है, ये आप भी कलर इसीलिए मुख्तलिफ रखें ताकि आपको स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब हम पिंक और वाइट को स्टिच करेंगे और फिर यहाँ से ग्रे और वाइट को इस तरीके से स्टिच करेंगे। और ये वाला जो कॉर्नर है, जो बैक, ये देखें इस तरीके से ये हम स्टिच कर लेंगे थ्री साइड से। अब ये हमारा 1, 2 और ये 3, थ्री साइड से हमारा ये स्टिच होगा। ये मुकम्मल स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसको भी हम मुकम्मल करके अब चेन थ्री स्पेस में आ गए हैं। और यहाँ पे हम एक सिंगल स्टिच बनाएंगे और इस तरीके से ये राउंड भी कंप्लीट कर देंगे। ये भी हमारा, ये देखें इस साइड की भी हमारी, जो हमारा लास्ट ये स्क्वायर था, इसको भी हमने एक साइड से स्टिच कर लिया है। इसको स्टिच करने के बाद अब ये देखें, अब यहाँ से इस पैनल को इसके साथ इस तरीके से यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। और फिर ये कॉर्नर इस कॉर्नर के साथ स्टिच कर देंगे। ये मुकम्मल इसको स्टिच करके फिर मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी स्टिचिंग जो है ये कंप्लीट हो गई। अब ये लास्ट है हमारी, एक दफ़ा और ये चेन थ्री स्पेस में आएंगे और एक सिंगल स्टिच बनाएंगे यहाँ पर, 1 और सेकेंड टाइम। ये जो हमारी, जो हम स्टार्ट करते हैं इसको अंदर कर लें इन धागों को। अब जो ये स्टिच है, ये करने के बाद एक यहाँ, 3 हमने बना, 2 हमने बनाए हैं, लास्ट एक और हम बनाएंगे इस तरीके से। और दो सिर्फ ग्रे के साथ बनाएंगे और लास्ट में हम, अब हमने इसको इसके साथ जोड़ना है। तो ये देखें, एक स्टिच सिंगल स्टिच यहाँ से और इसके पिंक से सिंगल स्टिच इस तरीके से। अब बाकी उसी तरीके से, बाकी स्टिचिंग हम ऐसे ही रखेंगे, सिंगल स्टिच ही। ये देखें इस तरीके से इसकी स्टिचिंग होगी। और ये इसको भी स्टिच करके यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। और ये स्टिचिंग भी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसका आप कॉर्नर देख लें, दोनों साइड से इसका कॉर्नर। ये देखिए, ये स्टिचिंग मुकम्मल हो गई, चेन थ्री में आ गए और ये सिंगल स्टिच बनाकर ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल स्टिच बनाने के बाद चेन 1 बनाएंगे और इसको काट लेंगे और ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे बैग की शेप जो है वो कुछ ऐसी होगी, ये शेप आई है स्टिच होने के बाद हमारे बैग की, ये शेप है। अब ये देखिए, इसका हैंडल बनाने के लिए मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी कि किस तरीके से। आप सिंगल स्टिच से ही हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। और ये देखें, जो हमारा बिल्कुल ये सेंटर वाला हिस्सा है, हम इसको, इसकी स्टिचिंग जो है वहीं से शुरू करेंगे। चेन थ्री जो है हमारे पास, यहीं से हम चेन थ्री से ही
चेन थ्री स्पेस जो है हमारी चेन वन बनाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच और जो ये हमारे स्टिचेस हैं सामने हमारे उसमें हम जैसे हमने स्टिच किया है इसी तरीके से हम ये इन पर सिंगल स्टिच बना लेंगे। जो चेन वन स्पेस है ये और इनके दरमियान यहाँ पे भी एक सिंगल स्टिच, नेक्स्ट सिंगल स्टिच इस तरीके से चेन वन स्पेस में, इस तरीके से सिंगल स्टिच बनाएंगे और तमाम जो ये हमारा ये सारा जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा है बैक का हमारा जो टॉप है उस पर हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। ये राउंड मुकम्मल करके यहाँ पहुँच के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट करते हुए हम लास्ट पहुँच गए हैं। वन चेन थ्री स्पेस में टू टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ये सिंगल स्टिच बनाया था फर्स्ट स्टिच में जाएंगे और स्लिप स्टिच बनाकर ये राउंड कंप्लीट कर देंगे। तमाम जो हमारा ये पार्ट था ऊपर वाला हमारा ये है उस पर हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम इस पर चेन वन बनाने के बाद दोबारा से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तमाम स्टिचेस पर, दोबारा से सिंगल स्टिच बनाएंगे तमाम स्टिचेस पर सिंगल स्टिच बनाएंगे और फाइव टाइम और बनाएंगे। फाइव टाइम बनाने के बाद फिर हम इसका हैंडल बनाएंगे। फाइव टाइम राउंड मुकम्मल करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसे आगे क्या करना है, हैंडल के लिए हमें इसमें और मज़ीद क्या करना है। तो चलें ये फाइव राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपसे वो दिखाती हूँ। ये देखें फाइव राउंड कंप्लीट कर ली हैं, अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। हैंडल के बनाने के लिए यही जो हमने जहाँ से स्टिच शुरू किए हैं यहीं से हम चेन बनाएंगे। काउंटिंग उसकी कर लेंगे चेन की बनाते हुए क्योंकि हमें दोनों साइडों पे इस साइड और इस साइड हैंडल बनाना है। तो जितनी हम यहाँ पे हमारी चेन्स होंगी उतनी ही हमारी दूसरी साइड के हैंडल पे भी चेन्स होगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन इस तरीके से हम चेन बनाएंगे। ये मैं चेन बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसकी 60 चेन्स बनाई हैं। हो सकता है आपका अगर ये पैटर्न जो है ये स्क्वायर छोटा बड़ा है तो फिर आप 50 भी रख सकती हैं। मैंने ये 60 चेन्स बनाई हैं और ये देखें इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ से बिल्कुल ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, तो नेक्स्ट जो है जहाँ से हम ये चेन जो ख़त्म करेंगे तो वो पॉइंट हमारा जहाँ से हमारा ये वाला जो है यहाँ से हम इसको आगे जो है इसको कंटिन्यू करेंगे सिंगल स्टिच से। ये हमारी हैंडल के लिए हमने चेन बना ली है और बाकी हम इसी तरीके से सिंगल स्टिच बनाते हुए दूसरी तरफ जाएंगे और दूसरी साइड पर भी सेंटर में पहुंचकर इसी तरीके से 60 चेन्स बनाएंगे और बाकी पैटर्न जो है वो कंप्लीट करेंगे। बाकी अपना ये सारा बॉर्डर जो है उसको कंप्लीट करेंगे। देखें सिंगल स्टिच बनाते हुए मैं यहाँ पर पहुँचूँगी नेक्स्ट इधर और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे और इसी तरीके से 60 चेन्स बनाकर इस कॉर्नर तक पे जैसे मैंने यहाँ हैंडल बनाया है इसी तरीके से ऐसे ही मैं बनाऊंगी और फिर मैं यहाँ पहुँच कर आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड्स पे ये 60 चेन्स जो हैं बना ली हैं। अब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। अब जो यहाँ से हमने ये जो हमारी फर्स्ट हैंडल की जो हमारी 60 चेन है इस पर हम ये जो चेन है इसी पे हम सिंगल स्टिच
बनाएंगे। इस तरीके से ये जो चेन है उस पर हम ये सिंगल स्टिच बना रहे हैं। इस तरीके से तमाम चेन पे सिंगल स्टिच बना लेंगे। और जैसे हमने यहाँ पे 5 राउंड बनाए हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम चेन्स पे भी 5 राउंड बनाएंगे। और ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत आसान है, जैसे ये सिंगल स्टिच बना रहे हैं, हर राउंड में हमें चेन पे सिंगल स्टिच ही बनाना है। ये मुकम्मल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तमाम राउंड मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे भी हमारे 5 सिंगल स्टिच के राउंड थे। और ये जो हमने हैंडल बनाया है, इसमें 1, 2, 3, 4 राउंड बना के इसको कंप्लीट कर लिया है। स्लिप स्टिच बनाया और अब इसको स्टिच कर लेंगे। हमारा बैग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें लाइनिंग जो लगानी है उसकी भी मैंने वीडियो जो है मेरे आपको चैनल पे मिल जाएगी कि बैग में लाइनिंग कैसे लगाते हैं। तो जिसको इसके अंदर लाइनिंग लगानी हो, वो वहाँ से आप आसानी के साथ इसमें बैग में लाइनिंग कैसे लगाते हैं वो भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो थम्सअप ज़रूर दबाएँ, बेल आइकन दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।